पूर्वोत्तर रेलवे सतर्कता संगठन के तत्वावधान में 29 अक्टूबर से 3 नवंबर तक मनाए जा रहे सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत 1 नवंबर को भ्रष्टाचार उन्मूलन में कर्मचारियों का योगदान विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन रेलवे अधिकारी क्लब गोरखपुर में किया गया। प्रमुख मुख्य चिकित्सा निदेशक डॉक्टर राजीव सक्सेना, उप मुख्य सतर्कता अधिकारी इंजीनियर आकाश गुप्ता, उप मुख्य सतर्कता अधिकारी भंडार महेश सिंह, उप मुख्य सतर्कता अधिकारी लेखा डॉक्टर आर के भारती, उप मुख्य सतर्कता अधिकारी यातायात जेपी सिंह ने दीप प्रज्वलित कर संगोष्ठी का शुभारंभ किया। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए उप मुख्य सतर्कता अधिकारी इंजीनियर आकाश गुप्ता ने कहा कि आज की संगोष्ठी में रेल कर्मियों द्वारा भ्रष्टाचार उन्मूलन के संबंध में दिए गए सुझाव काफी सार्थक प्रतीत हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सतर्कता संगठन का कार्य रेल कर्मियों को दंडित करना ही नहीं है बल्कि उनकी कार्यप्रणाली में सुधार लाना भी है। श्री गुप्ता ने कहा कि अनैतिक कार्यों में लिप्त कर्मचारियों को सुधारने की जिम्मेदारी सतर्कता संगठन पर है। उप मुख्य सतर्कता अधिकारी भंडार महेश सिंह ने भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने में रेल कर्मियों की सहभागिता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि बिना भय व शुद्धता से किए गए कार्य पारदर्शी होते हैं। श्री सिंह ने कर्मचारियों का आह्वान किया कि भ्रष्टाचार निवारण में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें।